एमपी के 5,580 शिक्षकों को मिला तोहफा। सीएम शिवराज ने सौंपे नियुक्ति और बधाई पत्र। 3 वर्षों में 50,000 शिक्षकों की हुई नियुक्ति। पीएम मोदी ने दी बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी 7 न्यूज। देखिए पूरी खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने हजारों शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को सत्र 2023-24 में नव नियुक्त 5,580 शिक्षकों को नियुक्ति और बधाई पत्र प्रदान किए हैं। खास बात यह है कि प्रदेश में 15,206 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। बीते 3 सालों में 49,048 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को बधाई देते हुए कहा कि पिछले 3 वर्षों में हुई लगभग 50,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य सरकार बधाई की पात्र है। सीएम शिवराज ने कहा कि आप सब मेरे भांजे भांजियां हैं और हमारा प्रेम व स्नेह का नाता है। शिक्षक अर्थात गुरु का दायित्व ग्रहण करने से मेरे मन में आपके प्रति आदर भाव है। गुरु का अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। गुरु वह कुम्हार है जो माटी से जैसी चाहे मूर्ति बना दे। जैसा आप बच्चों को गढ़ना चाहेंगे गढ़ देंगे। आप पर ही आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को गढ़ने की जिम्मेदारी है। मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूँ, हम सब एक परिवार है। नवनियुक्त शिक्षक लगातार बेहतर करने और अपने कार्य में नवाचार का निरंतर प्रयास करें, सदा प्रसन्न रहे, तनाव रहित रहे, प्रातः काल योग व्यायाम ध्यान को दिनचर्या का अंग बनाए। इससे कार्य क्षमता बढ़ेगी और आप अपने पारिवारिक और शासकीय कार्यों में संतुलन बनाते हुए बेहतर परिणाम देंगे। कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में हुई लगभग 50,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य सरकार बधाई की पात्र है। आप सभी कड़ी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं, आगे भी आप सीखते रहने की प्रवृत्ति जारी रखें। सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म IGOT कर्मयोग तैयार किया है। शिक्षक गण इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करें। नव नियुक्त शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी योगदान है। इसमें पारंपरिक ज्ञान से लेकर भविष्य की टेक्नोलॉजी को समान रूप से महत्व दिया गया है। मोदी ने कहा कि नई नीति में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। मातृभाषा में पढ़ाई को लेकर विशेष प्रयास हुए हैं। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंग्रेजी न जानने वाले छात्रों के लिए उनकी मातृभाषा में पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों पर बल दिया गया है। देश की शिक्षा व्यवस्था में ये बहुत बड़े बदलाव का आधार बनेंगे। इस 15 अगस्त पर पीएम विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया गया। इस पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अलग अलग तरह के 18 हुनर से जुड़े परिवारों को हर प्रकार की सहायता दी जाएगी, जिससे युवाओं को अपना कौशल निखारने के अवसर मिलेंगे। विगत 3 वर्षों में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग में प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 49,048 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं। सन 2021-22 में स्कूल शिक्षा में 14,644 एवं जनजाति कार्य विभाग में 6,335 शिक्षकों को नियुक्ति देकर कुल 2,979 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। सत्र 2022-23 में स्कूल शिक्षा में 11,903 एवं जनजाति कार्य विभाग में 10,586 शिक्षकों को नियुक्ति देकर कुल 22,490 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। सत्र 2023-24 में स्कूल शिक्षा विभाग में 5,498 एवं जनजाति कार्य विभाग में 82 शिक्षकों को नियुक्ति देकर कुल 5,580 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। वर्तमान सत्र 2023-24 में स्कूल शिक्षा विभाग में 15,206 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रस्तुत है। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ एमपी 7 न्यूज़।